इस सबक के अख्तिताम पर मौलिमात इस काबिल हो जाएंगी कि वो बरकी मकनतीस की खसूसियात बयान कर सकेंगी, बरकी मकनतीस के इस्तेमालात जान सकेंगी और सीखे गए तसव्वुर को तुलबा तक पहुंचा सकेंगी। हम सीख चुके हैं कि मकनतीस कुछ चीजों जैसे लोहा और निकल को अपनी तरफ खींचते हैं। कुछ मकनतीस इतने ताकतवर होते हैं कि वो कबाड़ खाने में मौजूद पूरी गाड़ियां खींचकर उठा सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, मकनतीस और गाड़ियों को फिर अलग कैसे किया जाता है? मकनतीस को गर्म करने या उस पर जर्ब लगाने से उसकी मकनतीसियत खत्म हो सकती है, लेकिन इतने बड़े मकनतीस की मकनतीसियत को खत्म करना आसान नहीं। इसीलिए दरअसल क्रेन में इस्तेमाल होने वाले मकनतीस बरकी मकनतीस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बिजली की मदद से काम करते हैं और जब बिजली बंद कर दी जाए तो उनकी मकनतीसियत खत्म हो जाती है। यानी जब बिजली बंद कर दी जाएगी तो इस क्रेन के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मकनतीसियत खत्म हो जाएगी और गाड़ी वापस नीचे आ जाएगी। चलिए अब मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ तीन चीजों की जरूरत है। कोई मैग्नेटिक चीज जैसे लोहे का कील, किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से बनी बरकी तार और एक बैटरी। बरकी तार को कील के गिर्द लपेटें और इसकी दोनों एंड्स को बैटरी के साथ जोड़ दें। अब ये लोहे का कील इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। तारों में जितना ज्यादा करंट होगा यानी बैटरी जितनी ज्यादा ताकतवर होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ज्यादा ताकतवर होगा और कील के गिर्द तार जितनी ज्यादा लिपटी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना ज्यादा ताकतवर होगा। अगर तारों का कनेक्शन बैटरी से टूट जाए तो तारों में करंट बहना बंद हो जाएगा और कील की बरकी मकनतीसियत भी खत्म हो जाएगी। कबाड़ खाने से गाड़ियां और कचरे के ढेर से लोहा उठाने के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के और कई इस्तेमालात हैं। मिसाल के तौर पर लाउडस्पीकर्स, सीडी प्लेयर्स और बरकी घंटी यानी इलेक्ट्रिक बेल में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इस्तेमाल करते हैं। इस बरकी घंटी की तस्वीर पर गौर कीजिए। जब स्विच ऑन होता है, तारों के कॉइल में से करंट गुजरता है और उसमें मौजूद लोहा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हैमर को खींचता है और वो गोंग पर बजकर आवाज निकालता है। जब स्विच बंद हो जाता है तो सर्किट टूट जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की मकनतीसियत खत्म हो जाती है और हैमर अपनी जगह वापस आ जाता है। इस तरह इलेक्ट्रिक बेल काम करती है।
आपने कभी सोचा है कि जनरेटर बिजली कैसे पैदा करता है? करंट पैदा करने के लिए जनरेटर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी तारों के लच्छे यानी कॉइल के अंदर से मैग्नेट को हरकत दी जाए तो तारों में करंट बहना शुरू हो जाता है। इसी तरह मैग्नेट के गिर्द कॉइल घूमने से भी तारों में करंट बहता है और हम बिजली हासिल कर सकते हैं। जनरेटर से करंट दो तरीकों से पैदा हो सकता है। पहले तरीके में अगर कॉइल के गिर्द मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट घूमते हैं तो तारों में करंट पैदा होता है। दूसरे तरीके में जब कॉइल दो मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट के दरमियान घूमता है तो उसमें करंट पैदा होता है। मैग्नेट या कॉइल को यह हरकत बैरूनी तबनाई की मदद से मिलती है।
बच्चों को समझाएं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा मकनतीस है जिसमें मकनतीसियत बरकी करंट की वजह से पैदा होती है। इनको समझाएं कि अगर बरकी करंट को बंद कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मकनतीसियत भी खत्म हो जाती है। बोर्ड पर तस्वीर के जरिए इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट के इस्तेमाल दिखाएं, जैसे भारी लोहे की चीजों का उठाना। फिर किताब में दी गई हिदायत और डायग्राम के जरिए इनको समझाएं कि बरकी मकनतीस कैसे बनता है और इसकी ताकत में कैसे इजाफा किया जा सकता है। क्लास में एक लोहे का कील या पेचकस, 500 सेंटीमीटर या उससे लंबी तांबे की बरकी तार, 1.5 वोल्ट का बैटरी सेल, 10 से 12 सेफ्टी पिंस और कुछ टेप लेकर आए। बरकी तार को ज्यादा मर्तबा कील या पेचकस के गिर्द लपेटें और बच्चों को दिखाएं कि ऐसा करने से इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा ताकतवर हो सकता है। फिर तार के एक सिरे को टेप के जरिए बैटरी के एक सिरे से जोड़ दें और तार के दूसरे सिरे को बैटरी के दूसरे सिरे से जोड़ दें। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार हो गया है। बच्चों को दिखाइए कि ये अब सेफ्टी पिंस को अपनी तरफ खींच सकता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट सेफ्टी पिंस को नहीं खींच पा रहा तो 3 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल करके देखें या कील के गिर्द ज्यादा मर्तबा तार को लपेटें। इलेक्ट्रोमैग्नेट की मकनतीसियत फौरन से खत्म करने के लिए तार के एक सिरे को बैटरी से अलग कर दें। बच्चे देख सकेंगे कि सेफ्टी पिंस फौरन से नीचे गिर गई। इसी तरह बरकी तार को पहली दफा से भी कम मर्तबा कील के गिर्द लपेटें और बच्चों को दिखाएं कि ऐसा करने से इलेक्ट्रोमैग्नेट कम ताकतवर हो गया। मुमकिन हो तो बैटरी का साइज तब्दील करके बच्चों को दिखाएं कि बड़ी बैटरी यानी ज्यादा करंट इस्तेमाल करने से इलेक्ट्रोमैग्नेट ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ख्याल कीजिए कि 6 वोल्ट से ज्यादा ताकतवर बैटरी ना इस्तेमाल की जाए। बच्चों को आसान अल्फाज में समझाएं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के जरिए बिजली भी पैदा की जा सकती है। क्या आप जानते हैं बिजली कैसे पैदा होती है? पावर स्टेशन से। शाबाश। और पावर स्टेशन में बिजली कैसे बनती है? पता नहीं। जनरेटर से। वेरी गुड। जनरेटर के जरिए हम बिजली पैदा कर सकते हैं। जनरेटर से बिजली पैदा करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट तो मकनतीसी अशिया को खींचता है, उससे बिजली कैसे पैदा होती है? बुक में मौजूद डायग्राम बोर्ड पर बनाकर बच्चों को समझाएं कि जब जनरेटर में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेट तारों के लच्छों के गिर्द घूमते हैं तो तारों में बरकी करंट पैदा हो जाता है।